हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियाज लर्निंग अड्डा पर। जैसे कि NDE क्रेश कोर्स के लिए अपन बात कर रहे थे, तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। NDE के लिए इंग्लिश का जो क्रेश कोर्स चल रहा है, उसी में आज हम बात करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की। अच्छे से ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान से आपको देखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा रहेगा आज का? आज के कॉन्सेप्ट्स के लिए टॉपिक है प्रोनाउन। टॉपिक का नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा कोई वर्ड जो नाउन के बदले में यूज़ किया जाता है। अ वर्ड विच यूज इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो शब्द नाउन के बदले काम आता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। याद रखना है कि नाउन के बदले जो काम आता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब जैसे कि अपन ऐसे लिखें, जैसे कि मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड मैन, मिस्टर शर्मा इज़ अ गुड मैन, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। मिस्टर शर्मा एक अच्छे आदमी हैं, वो मेरे दोस्त हैं। अब देखो, मिस्टर शर्मा यहाँ पर क्या है? कोई पर्सन है, पर्सन है, इट मीन्स ये कोई नाउन है। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को अपन नाउन कहते हैं, तो मिस्टर शर्मा नाउन है। अब यहाँ पर हमने ही वर्ड यूज़ किया है, ही इज़ माई फ्रेंड। ही कौन है? ये इसी के लिए तो यूज़ हुआ है। ही किसके लिए यूज़ हुआ है? मिस्टर शर्मा के लिए। और मिस्टर शर्मा नाउन है, तो नाउन के बदले जो वर्ड काम आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रोनाउन क्या होता है। ये नाउन था मिस्टर शर्मा, और मिस्टर शर्मा के बदले हमने ही वर्ड यूज़ किया है, तो इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि मिस्टर शर्मा इज़ ए गुड मैन, मिस्टर शर्मा इज़ माई फ्रेंड, तो भी ये सेंटेंस सही था। लेकिन मिस्टर शर्मा ना लिख कर हमने इसके बदले इस वर्ड को लिखा है, और जो नाउन के बदले वर्ड आता है, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। फिर हम इसके काइंड्स पर पहुंचते हैं, तो आगे बहुत सारे काइंड्स हैं। तो काइंड्स को अगर अपने काइंड्स को लेकर चलेंगे, तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। तो सीधा अपने कॉन्सेप्ट्स पर आते हैं। कुछ यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट्स याद रखने पड़ेंगे, और वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है फर्स्ट पर्सन, और एक होता है सेकेंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, और एक होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। सेकेंड पर्सन कौन सा होता है? यू, ये सेकेंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन सा होता है? ही या फिर शी या फिर इट या फिर दे या फिर कोई भी नेम, इसको अपन थर्ड पर्सन कहते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ही शी इट दे या किसी का भी नाम, इसको हम थर्ड पर्सन मानते हैं। अब मान लो एक ही सेंटेंस के अंदर ये तीनों ही पर्सन आ जाएं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो इनका क्रम क्या रहेगा? तो हम इनको 2-3-1 के रूप में लिखेंगे। किस क्रम में लिखेंगे? 2-3-1, यानी कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा। मान लो कि अपने पास एक सेंटेंस है, कि अपने पास सेंटेंस ये है कि यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, गुड फ्रेंड्स, ये सेंटेंस है, और नो एरर, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये बी पार्ट हो गया, ये सी पार्ट हो गया, और ये डी पार्ट हो गया। अब हमने देखा यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, ये सबसे पहले आ रहा है। फिर ही आ रहा है, ही कौन सा पर्सन है, ये रहा, ही थर्ड पर्सन है, यहाँ पर ही थर्ड पर्सन है, और आई फर्स्ट पर्सन है। तो देखो 2-3-1, 2-3-1 बनना चाहिए था, 2-3-1 बन रहा है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। यहाँ पर मैंने तीन पर्सन लिखे हैं, तीनों आने जरूरी नहीं है, कोई दो भी हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं ऐसे लिखता, ही एंड यू, ही एंड यू आर गुड बॉयज़, गुड बॉयज़, वह और तुम अच्छे लड़के हो। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एन ई, इसका मतलब है नो एरर। ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है, और ये डी।
अब देखो ही कौन सा पर्सन है, ये रहा ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ये तो 32 बन गया। मान लो फर्स्ट पर्सन नहीं है यहाँ पर, 2 3 1 के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो क्या बनना चाहिए था, 2 3 बनना चाहिए था, ये 3 2 बन रहा है जो गलत है। इसका इसको ऑब्लिक को यहाँ डालना पड़ेगा, दो पार्ट में एरर नहीं होती, ठीक है। अब आपको ही एंड यू नहीं लिखना यहाँ पर, करेक्ट बनाने के लिए क्या लिखना है, यू एंड ही, पहले सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन आएगा। तो इसमें एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात अपने को क्या याद रखनी है, दूसरी बात देखिए, दूसरी बात अपने को ये याद रखनी है कि अगर कंसेप्ट नंबर 2 है, ये हमारा कंसेप्ट नंबर 2 क्या याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में 2 सेकंड पर्सन हो, फिर थर्ड पर्सन हो, फिर फर्स्ट पर्सन हो, तो ऐसे सेंटेंस में आवर का यूज़ होता है। और अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तब भी अपने को किसका यूज़ करना है, आवर का यूज़ करना है। थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन हो तब भी अपन को किसका यूज़ करना है, आवर का यूज़ करना है। लेकिन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो तब अपन को योर का यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 2 है प्रोनाउन का, कि अगर अपने को सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, अब ये तो आपको पता चल ही गया कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है और थर्ड पर्सन क्या है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट नेम या कोई भी दे ये थर्ड पर्सन होता है। तो किसी भी सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो अपने को आगे आवर का यूज़ करना है। सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो भी आवर का यूज़ करना है। सेकंड और फर्स्ट पर्सन, सॉरी, थर्ड और फर्स्ट पर्सन है तो भी आवर का यूज़ करना है। सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज़ है तो भी योर का प्रयोग करना है। अब ये सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे ये सेंटेंस है कि यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क, योर होमवर्क, और नो एरर, नो एरर। ये सेंटेंस का है फर्स्ट पार्ट, ये सेंटेंस का है सेकंड पार्ट, ये सेंटेंस का है थर्ड पार्ट, और ये है नो एरर। अब देखो यू सेकंड पर्सन हो गया और ही कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड, आई कौन सा हो गया, फर्स्ट, यानी कि 2 3 1 ये है, तो आगे क्या आना चाहिए था, आवर आना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा है इसने, योर, तो ये मिस्टेक है, यहाँ सी पार्ट में एरर हो गई, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आवर होना चाहिए था। इसी तरह 2 और 3 होता तो जैसे ये क्वेश्चन था कि यू एंड जॉन, यू एंड जॉन हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड योर वर्क, ये सेंटेंस है। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और जॉन, जॉन किसी का नाम है, इसका मतलब थर्ड पर्सन है। ये वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ मैं, सेकंड और थर्ड पर्सन आ गया, तो आगे क्या आना चाहिए, योर, तो यहाँ पर योर आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन होगा तो आपको आवर का यूज़ करना है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो आपको आवर का यूज़ करना है, सेकंड और फर्स्ट पर्सन है तो आवर का यूज़ करना है, सेकंड और थर्ड पर्सन है तो योर का प्रयोग करना है। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में आइदर ऑफ हो या फिर नाइदर ऑफ हो या फिर ईच ऑफ हो, तो आपको ऐसे सेंटेंस में क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट लगाओगे, मतलब नाउन या प्रोनाउन लगाओगे, वो होना चाहिए प्लूरल, और इसके साथ जो वर्ब होगी, वर्ब वो कैसी होनी चाहिए, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। सब्जेक्ट तो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। इसमें और भी जोड़ सकते हो, जैसे वन ऑफ भी हो सकता है और नन ऑफ भी हो सकता है, वन ऑफ, नन ऑफ, ये भी हो सकते हैं यहाँ पर। इन सब के साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर होगी। अपन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बना के देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि नाइदर ऑफ माई टू सन्स आर लेजी, नाइदर ऑफ माई टू सन्स आर लेजी, तो नाइदर ऑफ आ रहा है ना, ये रहा नाइदर ऑफ, है ना, इसके साथ सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल, तो टू सन्स प्लूरल ही है, लेकिन वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, ये आर नहीं चलेगा, यहाँ पर होना चाहिए था इस। इसी तरह अगर अपन ऐसे लिखें, आइदर ऑफ योर टू सॉन्ग्स, टू सॉन्ग्स इज
मेलोडियस, मेलोडियस होता है दोस्तों मधुर। तो यहाँ पर है ये आइदर ऑफ आ गया, ये सॉन्ग्स, ये तो प्लूरल है, वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर, ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी तरह वन ऑफ, नन ऑफ होता है तब भी ये करेक्ट ही होता है। एक सेंटेंस और देख लेते हैं कि जैसे नन ऑफ माई थ्री स्टूडेंट्स, नन ऑफ माई थ्री स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, आर लेबोरियस होता है मेहनती, तो नन ऑफ है, ये स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर, आर नहीं चलेगा, इज चलेगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थ्री, ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर टू। इसी तरह इसमें वन ऑफ, नन ऑफ और ईच ऑफ आइदर ऑफ के लिए, आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के लिए एक कंसेप्ट और भी बनता है, कंसेप्ट नंबर फोर। कंसेप्ट नंबर फोर क्या है उसको देख लेते हैं। कंसेप्ट नंबर फोर कंसेप्ट नंबर थ्री से ही रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि आपको ये याद रखना है कि आइदर या नाइदर, आइदर या नाइदर का यूज़ ओनली टू के लिए होता है, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, ओनली टू के लिए यूज़ होगा। और अगर मोर देन टू होगा तो फिर हम किसका यूज़ करते हैं, वन ऑफ का यूज़ करते हैं या फिर नन ऑफ का यूज़ करते हैं, वन ऑफ या नन ऑफ। इसका यूज़ किसके लिए करते हैं, इसका यूज़ करते हैं मोर देन टू के लिए, मोर देन टू। अगर मोर देन टू होगा तो वन ऑफ नन ऑफ आएगा, ओनली टू के लिए क्या आता है, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं अपन, जैसे अपन कहते हैं नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, लुक्ड आफ्टर हिम, ये सेंटेंस है और ये नो एरर। इस तरह से नाइदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, उसके चार पुत्रों में से कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता है। अब यहाँ पर कितने सन हैं, फोर सन्स, और ये मोर देन टू हो गया, मोर देन टू हो गया तो फिर नाइदर ऑफ का यूज़ नहीं हो सकता यहाँ पर, यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए था, नन ऑफ, नन ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। इसी तरह हम वन ऑफ का भी यूज़ कर सकते हैं, ये वन ऑफ और नन ऑफ दो से ज़्यादा के लिए यूज़ होंगे, अगर दो ही होंगे तो फिर हम आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट नंबर पाँच देखिए, ये भी इसी से रिलेटेड सा है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज़ लेबोरियस, वह उन लड़कियों में से है जो लेबोरियस हैं, इट मीन्स जो मेहनती हैं। अब ये ए पार्ट हो गया इसका, ये सेंटेंस का हो गया बी पार्ट, और ये हो गया सेंटेंस का सी पार्ट, और ये हो गया सेंटेंस का डी पार्ट। शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु इज़ लेबोरियस, वह उन लड़कियों में से है जो लेबोरियस हैं। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है वन ऑफ, और अपने यहाँ पर है वन ऑफ नन ऑफ, तो अपने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज़ नहीं करना, ये अलग कॉन्सेप्ट बन गया है एक। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पर मेन भूमिका जो है, मेन रोल जो है वो हु का है। आपको यहाँ पर कुछ भी दे रखा हो, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, कुछ भी दे रखा हो, आपको इसको फोकस करना है। और यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट है गर्ल्स, ये प्लूरल है, तो ये वाली जो वर्ब है ये इसी के अकॉर्डिंग होगी, ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा कि शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स हु आर लेबोरियस, यहाँ पर हम इसके स्थान पर ऐसे यूज़ करेंगे। ये पांचवा कंसेप्ट भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स। कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स भी इसी से रिलेटेड है। मान लो कि आइदर ओ एक और, अभी हमने पढ़ा था आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, अब अपन पढ़ रहे हैं आइदर और या फिर नाइदर नोर, आइदर और या नाइदर नोर। इसी तरह नोट ओनली और बट आल्सो भी होता है, नोट ओनली बट आल्सो। अब मान लो कि दो सब्जेक्ट हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, मान लो एक सब्जेक्ट S1, एक सब्जेक्ट यहाँ है और एक यहाँ है S2, दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हैं, आइदर और से। इसी तरह S1 और
और S2 सब्जेक्ट टू, S1 सब्जेक्ट वन और S2 सब्जेक्ट टू। अगर दो सब्जेक्ट आपस में आइदर और नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं या फिर नोट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हैं, तो फिर आप वर्ब का यूज़ किसके अकॉर्डिंग करोगे? वर्ब जो होगी वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। वर्ब अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। जैसे एग्जांपल से देखिए आप, जैसे अपन ऐसे लिखते हैं, नोट ओनली, नोट ओनली जॉन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स और इज नोट कमिंग हियर, नोट कमिंग हियर और नो एरर, एन ई शॉर्ट में लिख रहे हैं अपन इसको। ये सेंटेंस का है ए पार्ट, ये सेंटेंस का है बी पार्ट, ये है सेंटेंस का सी पार्ट और ये है डी। नॉट ओनली जॉन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, इज नॉट कमिंग हेयर। अब देखो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो जॉन और दूसरा सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड्स। ये दोनों सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हैं? नॉट ओनली बट आल्सो से। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकेंड सब्जेक्ट कौन है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग होगा। तो फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? फिर यहाँ पर होना चाहिए था आर, कि नॉट ओनली जॉन बट आल्सो हिज फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग हेयर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हम ऐसे लिखें, आइदर शी और हिज ब्रदर्स हैज़ कम और एन ई, इट मीन्स नो एरर। ये सेंटेंस का ए पार्ट है, ये सेंटेंस का बी पार्ट है, ये सेंटेंस का सी पार्ट है और ये सेंटेंस का डी पार्ट है। अब हमने देखा दो सब्जेक्ट हैं जो आइदर और से जुड़े, ये रहा आइदर और, सब्जेक्ट नंबर वन ये रहा, सब्जेक्ट नंबर टू ये रहा। अब जब दो सब्जेक्ट आइदर और नाइदर और से जुड़े होंगे, तो वर्ब अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, मतलब सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो ब्रदर्स प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी चाहिए थी और वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पर हैव। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो बच्चों हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर सेवन। कॉन्सेप्ट नंबर, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप एक बार वापस वीडियो को जो है एक बार तो आप स्पीड से देखिए क्लास के साथ साथ, और उसके बाद आप इसको जो है वापस एक बार देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखेंगे तो आपको चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक ही टॉपिक से चल रहे हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं प्रोनाउन से चल रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट नंबर सेवन की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर सेवन की बात ये करें तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, कौन कौन से, जैसे हु होता है, जैसे हुम होता है, जैसे हुज़ होता है, जैसे विच होता है और जैसे दैट होता है। ये सारे क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर, इससे पहले यहाँ पर जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है, इस नाउन या प्रोनाउन को हम एक नाम देते हैं और वो नाम क्या है? एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं इसको? एंटीसीडेंट। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती शब्द। इन जहाँ पर भी ये रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच या दैट आपको सेंटेंस में दिखाई दें, तो इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा अपन उसको एंटीसीडेंट यानी कि पूर्ववर्ती शब्द बोलते हैं। तो इनके बाद जो वर्ब आती है, वर्ब वर्ब हमेशा इस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगी। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स एंटीसीडेंट, ठीक है। वर्ब हमेशा इसके अकॉर्डिंग होगी। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा, ये वाली जो बाद वाली वर्ब होगी वो हमेशा इसको देख कर आएगी। ये नाउन सिंगुलर होगी तो ये वर्ब भी सिंगुलर होगी, ये प्लूरल होगी तो ये वर्ब भी प्लूरल होगी। इसका मतलब इनका कोई रोल नहीं है, हु, हुम, हुज, विच, दैट, इनका कोई रोल नहीं है, बस इनसे पहले नाउन प्रोनाउन कैसा है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, आई हु इज़ योर टीचर, आई हु इज़ योर टीचर शैल
गाइड यू शैल गाइड यू फॉर एनडीए एग्ज़ाम, एनडीए एग्ज़ाम, मैं जो तुम्हारा टीचर हूँ तुम्हें एनडीए एग्ज़ाम के लिए गाइड करूँगा। मान लो ये सेंटेंस का पहला पार्ट है, ये सेंटेंस का दूसरा पार्ट है, ये सी है और ये डी है। अब हमने देखा ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कौन है, इसका एंटीसीडेंट आई है, तो ये वर्ब आई के अकॉर्डिंग होनी चाहिए ना, तो आई इज़ नहीं होगा, आई एम होगा। इस तरह से ये वर्ब आपको गलत करवाएगी सेंटेंस, आपको इसका ध्यान रखना है। आई हु एम योर टीचर शैल गाइड यू फॉर एनडीए एग्ज़ाम। इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपने, जैसे दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु हैज़ हेल्प्ड मी, हु हैज़ हेल्प्ड मी। अब हमने देखा ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कौन है, मैन, मैन के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, तो मैन सिंगुलर है, ये वर्ब सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस में नो एरर। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट नंबर अपना 7 था। आगे हम अगली क्लास में फिर कुछ और कॉन्सेप्ट जानेंगे, तब तक नमस्कार।